वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम लोग आज सीख रहे हैं फोटोशॉप का क्लासेस के अंदर स्ट्राइप बनाना। स्ट्राइप कैसे बनाते हैं, उसको पैटर्न में कैसे सेव करते हैं और उससे प्रिंट फाइल कैसे बनती है। तो हम आ जाते हैं हमारी फोटोशॉप की स्क्रीन के ऊपर। फोटोशॉप की स्क्रीन के ऊपर आने के बाद में हमने यहाँ पे एक टूल देखा था, एरो के नीचे जो टूल था रेक्टेंगल टूल, जिससे हम सर्कल्स बना रहे हैं या फिर रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, बॉक्सेस बना रहे हैं, राउंड्स बना रहे हैं, अलग अलग पॉलीगनल टूल है, इस तरीके से अलग अलग ज्योमेट्रिक, या फिर अभी हम बना रहे पोल्का डॉट्स। तो पोल्का डॉट्स हम किससे बना रहे हैं, एलिपस टूल से। ठीक है, तो हम स्ट्राइप डिजाइन बनाने के लिए यूज करेंगे रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद में ऊपर से आपको कलर चेंज करना है, तो कलर यहाँ से चूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बना रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट, तो हमने क्या लिया है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड लिया है और ब्लैक कलर की हम लोग स्ट्राइप ले रहे हैं। तो स्ट्राइप लेने के लिए कभी भी कोई भी चीज करनी है, न्यू एक और लेयर बनाएंगे, बैकग्राउंड लेयर अलग होनी चाहिए और हर एक लेयर अलग अलग होनी चाहिए डिजाइन बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल जैसे लिया, ये क्या हो गया है, आपका रेक्टेंगल आ गया है ब्लैक कलर का। आप देखिए यहाँ पे एक हो गया बैकग्राउंड और एक हो गया आपके रेक्टेंगल। तो आप अलग अलग बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, अलग अलग कलर, रेक्टेंगल के कलर भी अलग अलग ले सकते हो। अभी एक सिंगल स्ट्राइप बना रहे हैं हम ब्लैक पे व्हाइट। ठीक है, तो जैसे हमने इसको सेलेक्ट की, सेम प्रोसेस है, एडिट पे जाना है, डिफाइन पैटर्न, ओके किया। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करके पैटर्न पे जाएंगे। जैसे ही पैटर्न पे गए तो हमारा ये पैटर्न सेलेक्टेड आ जाएगा, सबसे लास्ट जो पैटर्न बना हुआ है ये सिलेक्टेड है। यहाँ से हमको क्या करना है, इसकी स्केल को करना है कम। तो इसको स्केल हम कम करेंगे तो ये क्या हो गया है, ये स्ट्राइप बन गई। ठीक है, तो आप जितनी छोटी स्ट्राइप बनाना चाहते हैं, 5 करेंगे ये एक स्ट्राइप बन गई, तो एक पैटर्न ये बन गया। ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न कैसे बनाएंगे, जैसे मैं इसमें सॉलिड कलर लेता हूँ, प्लेन कलर, दूसरे कलर पर बनाएंगे हम लोग। जैसे मैं बनाने वाला हूँ अब ग्रीन के ऊपर व्हाइट। ठीक है, तो ग्रीन पे ले लिया आपने, यही रेक्टेंगल को लिया, इसका कलर कर देता हूँ मैं इसका व्हाइट, व्हाइट शेड कर दिया। अब इसको कंट्रोल टी करेंगे, अब इसकी विड्थ को अगर हम ज्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, व्हाइट कलर ज्यादा आएगा, ग्रीन कलर कम आएगा। तो इसको कर दिया मैंने एंटर। अब ये करने के बाद में मैंने क्या किया, इसको कर दिया एडिट पे जाके डिफाइन पैटर्न, डिफाइन पैटर्न पे जाके ओके। फिर हम वापस से इस पर लेंगे पैटर्न। तो जैसे पैटर्न लेंगे, हम लास्ट वाली जो लेयर है उसको सेलेक्ट करेंगे और इसकी स्केल को करेंगे कम। अब स्केल कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्रीन कलर कम है, व्हाइट ज्यादा है। अब इसको हमने 10 कर दिया तो एक और ये पैटर्न बन गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको स्ट्राइप बनानी है। ठीक है, अब वापस मैं एक और बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ, रेड ले रहा हूँ और रेड पे मैं इसका स्ट्राइप का कलर कर रहा हूँ स्किन कलर। ठीक है, अब मैंने इसको क्या किया, कंट्रोल टी किया। अब स्ट्राइप को क्या करने वाला हूँ मैं, स्ट्राइप को इस कॉर्नर पे ले लिया आउट ऑफ फ्रेम पे, कंट्रोल जे करके डुप्लीकेट लेयर किया एक और, देखो कंट्रोल टी किया, इस लेयर का कलर इसको मैंने ले लिया इस साइड पे और इसका कलर कर दिया मैंने व्हाइट। ठीक है, फिर मैंने वापस से कंट्रोल जे किया, एक और स्ट्राइप ली, उसको मैंने ले लिया पूरे एरिया पे, राइट और लेफ्ट पे, लेकिन इसका कलर मैंने चेंज कर दिया येलो। ठीक है, ऐसे मैंने कंट्रोल जे किया, एक और स्ट्राइप ली, मैंने एक और स्ट्राइप को ले लिया यहाँ पे और इसका कलर चेंज कर दिया मैंने एक और डिफरेंट कलर। तो मैंने क्या किया है, अलग अलग कलर ले लिए और इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर लेता हूँ मैं, इसका कलर ले लेता हूँ ब्लू। तो स्ट्राइप में ही मैंने चेंजेस कर दिए। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसको वापस चेंजेस करने के बाद डिफाइन पैटर्न ओके किया, फर्स्ट लेयर को सेलेक्ट करना है, फिर हमको पैटर्न की फाइल लेनी है, पैटर्न पे क्लिक किया। अब हम इसका क्या करेंगे, स्केल कम करेंगे, तो ये क्या हो गया आपका, एक और पैटर्न बन गया है। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्राइप पैटर्न। स्ट्राइप पैटर्न अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, ये मैंने इसको कर दिया 10, तो ये आपकी एक डिफरेंट पैटर्न बन गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग स्ट्राइप पैटर्न बनाएंगे। अब स्ट्राइप पैटर्न में भी एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। ठीक है, अब मैं सिर्फ एक लेयर रखता हूँ, इसको कंट्रोल टी करता हूँ और इसको फ्लिप कर देता हूँ हॉरिजेंटल, सॉरी वर्टिकल। वर्टिकल करूंगा तो क्या होगा, ये 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज इसको वर्टिकल करना है, तो ये क्या हो गया, खड़ी स्ट्राइप में आ गया। अब इसी को आप खड़ी स्ट्राइप में यूज कर सकते हो। डुप्लीकेट किया, एक और स्ट्राइप ले ली, डुप्लीकेट किया, एक और स्ट्राइप इसके पास में लगा दी। ठीक है, अब इनके कलर चेंज कर दिए। ठीक है, इसका कलर चेंज कर दिया मैंने, इसका कलर कर दिया ग्रे, बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज कर लिया, बैकग्राउंड का कलर ले लिया इसमें येलो। ऐसे हर एक का आपको कलर चेंजेस करना है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्ट्राइप्स बना लेंगे। इसका कलर मैंने नेवी ब्लू कर लिया। अब ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि है ना इसके ऊपर एक और है, डबल लेयर है, तो मैं इसको कंट्रोल टी करके इसको एक और लेयर ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको कलर चेंज करना है सभी। तो
डिफरेंट तरीके की डिजाइन्स बनती जाएगी। एक और ये, इसका कलर चेंज कर लिया, इसका कलर ले लिया मैंने। तो हमने क्या किया, इसमें खड़ी स्ट्राइप्स बनाई। अब इसको डिफाइन पैटर्न में जाके पैटर्न में सेव किया, टॉप वाली लेयर पे सेलेक्ट किया, फिर पैटर्न में गए, जहाँ जाके हमने क्या किया, इसको वापस से डिफाइन पैटर्न करने के बाद में पैटर्न बनाया। तो अभी क्या बन रहा है, ये स्ट्राइप पैटर्न बन गई। तो स्ट्राइप पैटर्न हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तरीके की बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके की स्ट्राइप हो गई। अब स्ट्राइप के अंदर ही हम लोग टेक्स्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं वापस इसका बैकग्राउंड जो है चेंज कर लेता हूँ, व्हाइट कलर कर ले लेता हूँ, रेक्टेंगल जो है वो मैं ब्लैक कलर कर ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, इसकी बनानी चाहिए। अभी हमने स्ट्राइप बनाई, कैसे बनाई, रेक्टेंगल और हॉरिजेंटल, ठीक है, दो तरीके बने, सॉरी वर्टिकल और हॉरिजेंटल, दो तरीके की हमने स्ट्राइप बनाई। अब हम बना रहे हैं चेक। तो चेक बनाने के लिए क्या करेंगे, हम वापस से एक नई लेयर ले लेते हैं। हमें यही सेलेक्ट रखना है रेक्टेंगल टूल चेक बनाने के लिए भी, ठीक है। यहाँ से कलर अभी मैंने ब्लैक लिया है, तो मैंने एक स्ट्राइप ले ली ऐसे, और दूसरी स्ट्राइप मेरे को लेनी है। तो दूसरी स्ट्राइप के लिए एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, दूसरी स्ट्राइप मैंने ले ली खड़े में, तो मैंने हॉरिजेंटल भी ले ली, वर्टिकल भी ले ली। दोनों लेने के बाद अब वर्टिकल वाली है, उसकी मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। बस इतना किया, इसके बाद वापस डिफाइन पैटर्न पे जाएंगे, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद पैटर्न पे गए, पैटर्न पे जाने के बाद में इसका स्केल को हम कर देंगे। अभी क्या हो गया, ये चेक्स में बन गई। चेक्स कैसी होती है, प्लस साइन में होती है। अब ये चेक्स डिजाइन बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से चेक्स बना दी। अब इसी में चेंजेस करके और बनाना है, कंट्रोल जे करके मैंने क्या किया, इसको इसकी वीड को कम कर दिया। कम करने के बाद में यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। अब ब्लैक के ऊपर आ रही है मजेंटा वाली, ठीक है। और एक और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, उसका कलर लेता हूँ ब्लू, ठीक है। और ब्लू वाली को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्लैक के पीछे ले लिया। तो अभी क्या हो गया, मजेंटा फ्रंट पे, ब्लू पीछे और ब्लैक इसके ऊपर, लेकिन ब्लैक मजेंटा के नीचे। तो यहाँ कैसे पता चलेगा, सबसे ऊपर मजेंटा है, फिर ब्लैक है, उसके बाद नीचे ब्लू है। तो तीनों लेयर को हमने चेंजेस कर दिया। ऐसे ही कंट्रोल जे करके मैं डुप्लीकेट करता हूँ इसी स्ट्राइप को, और मैं ना पतली कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसका कलर कर देता हूँ मैं रेड में, ठीक है। ऐसे ही जो हमारी ब्लैक लेयर है, इसके भी हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। डुप्लीकेट करके इसकी भी वीड को मैंने कम कर दिया। कम करके मैंने एक वीड को यहाँ लगा दिया। कहीं भी प्लेसमेंट कर सकते हैं अपनी चॉइसेस के हिसाब से, ठीक है, गूगल से रिसर्च करके उसके हिसाब से। अब इसका कलर मैंने ले लिया है डार्क ग्रीन, ठीक है। एक और डुप्लीकेट कर लिया, उसको मैंने यहाँ नीचे ले लिया और इसकी वीड थोड़ी बढ़ा दी। और इसका कलर मैंने चेंज करके क्या ले लिया है, इसका कलर ले लेता हूँ एक और को चेंज करके ग्रीन, ठीक है। तो ये मैंने अभी एक चेक प्रिंट बनाई, लेकिन अभी इसको पैटर्न में चेंज नहीं किया। इसको डिफाइन पैटर्न में जाएंगे, डिफाइन पैटर्न में जाके ओके किया, सबसे टॉप वाली लेयर को सिलेक्ट करके पैटर्न में गए। पैटर्न में जाने के बाद आपकी लास्ट वाला जो पैटर्न सेव किया था वो आ गया। अब इसको हम करेंगे स्केल छोटा। तो अभी ये क्या पैटर्न बन गई, एक और चेक की प्रिंट बन गई, ठीक है। इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट चेक्स की प्रिंट बना सकते हैं। अब इसी प्रिंट को और चेंजेस क्या कर सकते हैं, जैसे मजेंटा है, इसकी ऑपेसिटी को कर दो कम, क्या हो जाएगा, पीछे की जो भी प्रिंट है उनकी लाइन आने लग जाएगी। ऐसे ही ब्लैक है, ब्लैक की जगह मैं ब्लू ले लेता हूँ, ब्लू की मैंने इसकी ऑपेसिटी कर दी कम। तो इससे कम करने से हो क्या रहा है कि ये डबल कलर दिख रहे हैं इसके अंदर। तो ऑपेसिटी कम भी कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो इसके अंदर जैसी आपकी चॉइस है। व्हाइट है, इसका कलर कम कर दिया, देखो रेड और ये ब्लू है, इसके दोनों के कलर भी आ सकते हैं। अब इसको जब आप डिफाइंड पैटर्न में जाके करोगे तो ऑपेसिटी चेंजेस करके, तो इस तरीके डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स बना सकते हो, ठीक है। पैटर्न में गए, इसको अब मैंने ना इसकी स्केल कम कर दी। अब ये क्यों आ रहा है इस तरीके का, क्योंकि ये लेयर जो है ये सबसे बीच में पड़ी हुई है, इसको ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर करना है। ऊपर करेंगे, फिर वापस हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर इसकी स्केल को कम करेंगे। अब देखो एक और चेक प्रिंट हो गई, जैसे हमारी शर्ट्स पे, ड्रेसेस पे, टॉप पे चेक प्रिंट होती है इस तरीके की। आप इसको ओके करोगे, कंट्रोल प्लस करके जूम करके देखोगे तो ये प्रिंट आपको दिखेगी कैसे दिखे, है ना। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, आज के हमने क्लासेस में क्या सीखा, एक तो स्ट्राइप, स्ट्राइप हॉरिजेंटल वर्टिकल कैसे बनाई जाती है अलग अलग, और चेक्स कैसे बनाई जाती है, चेक्स में भी सॉलिड कलर्स की और ऑपेसिटी कम करेंगे तो चेक्स प्रिंट कैसे बनेगी और आपकी स्ट्राइप प्रिंट कैसे बनेगी, ये सीखा हमने आज की क्लासेस में। थैंक यू।